हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट ग्रामीणों और किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कृषि मंत्री अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए एमएसपी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को यह कहकर बरगलाया नहीं जा सकेगा कि एमएसपी खत्म किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में 1000 नई ई मंडियां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। किसानों के बीच विपक्षी दल मंडियां समाप्त किए जाने का भ्रम फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले गेहूं, धान, दलहन और कपास आदि की खरीद के आंकड़ों को प्रस्तुत कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफवाह और भ्रम फैलाने वालों को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्राम विकास और स्वास्थ्य के लिए निर्धारित बजट इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार ग्रामीणों और किसानों के विकास और आमदनी बढ़ाने के लिए कितनी सजग है। किसानों के लिए हित की अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा भी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो लोकहितकारी बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इस बजट से हमारे गांव में रहने वाले लोगों को, किसान भाइयों को, सबको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है किसानों की आमदनी को दुगना करने का, उसको प्राप्त करने में ये सहायक होगा। और एक भ्रांति जो फैलाई गई थी कि एमएसपी नहीं रहेगी, उसका भी समाधान बजट भाषण में किया गया है और स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी मिलती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही थी, उसको साफ दिखा दिया कि उसके वक़्त में गेहूं की कितनी रुपये की खरीद हुई थी, उससे दुगुनी अब हुई है। धान की कितनी खरीद हुई थी, उससे 3 गुनी अब हुई है। दालों की कितनी खरीद हुई थी, वो उससे 40 गुना ज़्यादा हुई है। कपास की 100 गुना ज़्यादा खरीद हुई है। और हमारे किसान भाइयों को डायरेक्ट खाते में उसका पैसा मिला है। एक जो भ्रांति फैलाई थी कि मंडियां नहीं रहेंगी, इस बजट में हमारी 1000 नई ई मंडियां बनाने का जो प्रावधान किया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गांवों की दशा भी बदलेगी। और जो आज के सबसे बड़ी समस्या है कोरोना काल में हेल्थ की, स्वास्थ्य की, उसके लिए जो बजट है दुगने से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक 75 साल से बड़े हैं, उनके ITR भरने की कंडीशन को उसे मुक्ति दे दी गई है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने के लिए हमारी माताएं और बहनें हैं, 1 करोड़ उज्ज्वला के नए कनेक्शन देने की बात की गई है। सोलर पंप 20 लाख लगवाने के लिए किसानों को प्रावधान इस बजट में है। 15 लाख जो सोलर जो ग्रिड के अंदर कनेक्शन जुड़ते हैं, वो नए देने का प्रावधान इसमें है। और ग्रामीण बच्चे शिक्षित हों, सेना में जाएं, इसके लिए 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात है। तो ये बहुत ही अच्छा बजट है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया गया है। और जो इस गांव किसान भाई हैं, जिनकी आमदनी बढ़ाने का, दुगनी करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उस दिशा में ये बजट एक बहुत सहायक सिद्ध होगा।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.